एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में मैं सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल टॉपिक है। इसके पहले मैं आपको एक दो पंक्तियाँ पढ़कर बोलता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। आज का मेरा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज मैं आपको USA की ट्रैक एंड फील्ड की ओलंपिक की दावेदार महिला खिलाड़ी जो है क्विनेसा बर्क्स के बारे में बता रहा हूँ। क्विनेसा बर्क्स जो है वो ओलंपिक खेलने आई हुई है। अफ्रीकी मूल की है, अमेरिकन सिटीजन है और वो ओलंपिक टोक्यो में खेलने आई है और पदक की बहुत बड़ी दावेदार है। दोस्तों आज मैं उसका वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ कि नेसा बर्क्स जो जब वो 10 साल की थी तो उसके माँ बाप का तलाक हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी जगह चली गई। अब क्विनेसा बर्क्स जो थी फादर कुछ करते नहीं थे तो वो एक मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट था, मैकडोनल्ड का एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर वो वेटर का काम करती थी और वो वहाँ पर लोगों को सर्विस देती और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने छोटे भाई बहनों की फीस जमा करती, उनको स्कूल ले जाती, घर के बिल जमा करती, ये सारे काम करती और दिन सुबह से लेकर शाम तक वो उस रेस्टोरेंट में काम करती। इसी बीच उसको किसी ने कहा कि आप अपनी पढ़ाई को भी चालू करो तो उसने अपनी पढ़ाई अमेरिका में ही, उसने एक स्कूल था हाई स्कूल तक, वहाँ उसने अपनी स्टडी को शुरू कर दिया। वहाँ स्टडी करती थी तो वहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेला करते थे तो वो वहाँ पर बास्केटबॉल खेलने लगी। उसके कोच ने देखा कि इसकी रनिंग स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दौड़ती है तो उसको सलाह दी कि तुम आप रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। क्विनेसा बर्क्स ने ऐसा ही किया। वह जो ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएँ होती थी उनमें भाग लेती तो उसको अच्छा ही लगा उसमें भाग लेना। उसने उसको विड्रॉ कर दिया और उसने सोचा कि ट्रैक एंड फील्ड में यदि वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करे तो कैसा रहे, तो उसने लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन जो टूर्नामेंट था उसका जो क्वालिफिकेशन था वो 3 सेंटीमीटर से रह गई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन अगले साल उसने वो जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसने 20 फुट का मारा और क्वालिफाई कर दिया। पहले वो जब रेत पर जंप करती थी वो बताती है कि जब मैं रेत पर जंप करती थी तो मुझे जंप करने में ये लगता था कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे पास साबुन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे साफ करूँगी। तो वो जंप करती थी कि ताकि वो ज़मीन पर ना लैंड करे, वो बैठ का ही जंप करती थी। उसने इतनी प्रैक्टिस की कि 2019 के जो अमेरिकन खेल थे उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और अमेरिका के ट्रैक एंड फील्ड की पदक की दावेदार महिलाओं में सबसे प्रबल दावेदार है। दोस्तों ये है क्विनेसा बर्क्स की कहानी, जिसके सपने जो देखता है उनको पूरा करता है। सपनों देखने अलग बात है, उनको पूरा करने के लिए नींद नहीं आना ये एक अलग बात है। इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका की अफ्रीकी मूल की खिलाड़ी क्विनेसा बर्क्स है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।